हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलता रहे। फ्रेंड, प्लांट्स को देख के तो आप समझ ही गए होंगे, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये पर्सलिन और मॉस रोज के फ्लावर प्लांट हैं जो कि मेरे टेरिस गार्डन में लगे हुए हैं। छोटे छोटे से पॉट्स में इन प्लांट्स को मैंने लगाया है और इनको लगाने से लेकर और इनको क्या फर्टिलाइज़र मैंने अप्लाई किया है इन पर इतनी बेहतर फ्लावरिंग के लिए, इतनी बेहतर ग्रोथ के लिए कि हर एक पौधा अपने आप में हज़ारों फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो सुबह सुबह का वक्त है और आज धूप भी नहीं निकली है, बारिश भी नहीं हो रही, तो मैंने अपने फ्लावर्स का अपडेट आपके साथ शेयर करने की इच्छा हुई। इनके फ्लावर्स आप देख सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स को प्रिपेयर करके और लगभग 17-18 कंटेनर मैंने इन प्लांट्स के लिए प्रिपेयर किए थे और उन सभी का अपडेट आपके साथ मैंने पहले ही शेयर किया है। इन पौधों को छोटी छोटी सी कटिंग्स में लगभग 3 से 4 वैरायटी की मिक्स करके मैंने लगाई थी, फिर इनकी प्रूनिंग की और समय समय पर इनको कुछ फर्टिलाइज़र भी मैंने अप्लाई किए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ इनकी फर्टिलाइज़र का भी अपडेट शेयर किया था। तो इस तरह के छोटे प्लांटर में आप इनको लगाकर और हजारों फ्लावर एक साथ इनसे ले सकते हैं। हर एक फ्लावर लगभग रोज़ खिलता है और इसमें नई नई बड्स लगातार बनती रहती हैं और वे जैसे ये फ्लावर जो हैं ये आज मुरझा जाएंगे और कल नए दूसरे फ्लावर भी खिलेंगे। वेस्ट बॉटल्स में भी मैंने कुछ पौधे लगाए थे, इनके लगाने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और अब ये पौधे भी देखिए कितने घने हो गए हैं और मल्टी कलर में मिक्स करके पर्सलिन और मॉस रोज़ दोनों को मिक्स करके लगाया था। और इस तरह के हैंगिंग प्लांटर के रूप में आप भी इस तरह की वेस्ट बॉटल्स को उपयोग करके और इसी तरह की सुंदर फ्लावरिंग आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जब ये प्लांटर इस तरह से घूमते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आपके गार्डन में क्रिएट करते हैं। तो दो ही बॉटल्स मैंने प्रिपेयर की थी इसके लिए और देखिए कितनी बेहतर फ्लावरिंग इन पे भी हो रही है। फर्टिलाइज़र और मिट्टी का क्या रेशियो मैंने इन पे अप्लाई किया है इतनी बेहतर फ्लावरिंग के लिए, उसका अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखकर इस तरह की बॉटल्स में भी इन मॉस रोज़ और पर्सलिन के पौधे उगाकर इसी तरह की फ्लावरिंग ले सकते हैं। मेरी छत खुली हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, तो इसी की वजह से छत के किनारे किनारे से मैंने इन पौधों को रख दिया है। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि आखिर इतनी फ्लावरिंग के लिए आप इन पे क्या, किस तरह की मिट्टी में लगाया है आपने, क्या खाद वगैरह देते हैं कि इतने फ्लावर आते हैं, हमारे प्लांट्स पे इतनी फ्लावर क्यों नहीं आते। तो उनके भी साथ भी मैं केयर टिप्स इनकी शेयर करता रहता हूं और आपके साथ भी मैं वीडियो के माध्यम से इनके फर्टिलाइज़र और देखभाल के अपडेट टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। अभी इनको सेव करने की या इनको बचाने की कोशिश आपको नहीं करनी है, ठंडी का समय इनकी डोरमेंसी टाइम होता है, उस टाइम इनकी केयर का और इनको सेव करने का अपडेट मैं अलग से आपके लिए लेके आऊँगा। अभी ये जब तक ठंड नहीं पड़ने लगेगी तब तक ये इसी तरह से फ्लावरिंग इन पौधों पर होती रहेगी और हजारों हजार फ्लावर एक ही एक पौधे पर इसी तरह खिलते रहेंगे। तो लगभग 3 कलर मिक्स में मैंने पर्सलिन और 3 मिक्स कलर में मैंने मॉस रोज़ को अलग अलग कंटेनर्स में लगाया है और हजारों हजार फ्लावर रोज़ इसी तरह खिलते हैं इसमें। हाँ, पौधे पर ये फ्लावर एक ही दिन खिले रहते हैं, दूसरे दिन दूसरे फ्लावर खिलते हैं। मैं ठोस फर्टिलाइज़र देने के लिए प्लांटर्स में जगह नहीं है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके फर्टिलाइज़र के विषय में भी बताया था कि आपको किन फर्टिलाइज़र के उपयोग से आपको इस तरह की फ्लावरिंग आपको भी मिल सकती है। 15 से 20 दिनों के अंतराल में जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए थे वही मैं इन पर उपयोग कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ पर्सलिन और मॉस रोज़ की फ्लावरिंग का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।